आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं ओप्पो A37 स्मार्टफोन और जानेंगे इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं और इसे अनबॉक्स करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी पैकिंग तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो चलिए हम जानते हैं इसके फीचर्स के भी बारे में। तो जैसे भी हम बैक कवर में जाते हैं, तो जैसे भी हम देख सकते हैं इसका 5 MP ब्यूटी कैमरा विद ब्राइट सेल्फी दिया गया है और 5 इंच का इसका डिस्प्ले है जो 2.5D आर्क एच स्क्रीन के साथ आता है और 2 GB रैम प्लस 16 GB रोम के साथ ये मॉडल आता है। जैसे कि हम इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो इसमें 2630 mAh की बैटरी दी गई है। जैसे कि हम बात करें इसके प्राइस के बारे में तो ये आपको बॉक्स में बताया गया है 10,990, जैसे कि आप देख सकते हैं, पर मार्केट में आपको ये 10,000 तक मिल जाएगा। और देखें तो हम इसके अंदर क्या क्या आता है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं इसे अनबॉक्सिंग। तो देखते हैं इसके अंदर इसके फीचर्स के बारे में और देखते हैं ओप्पो ने क्या हमारे लिए नया छोड़ा है। तो चलिए हम करते हैं इसे अनबॉक्सिंग, देखते हैं। तो जैसे ही आप देख सकते हैं इसके अंदर ऐसा इसका बॉक्स आता है, हम इसे खोलते हैं तो देख सकते हैं इसके अंदर एक नया स्मार्टफोन है। जैसे ही हम इसे बाहर निकालते हैं, ये ग्रे कलर का स्मार्टफोन है ओप्पो का। हम बात करें इसके बॉडी फिनिश की तो ये मेटालिक फुल एज कर्व बॉडी है, एल्यूमिनियम का बॉडी है। तो चलिए हम देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर आया है। जैसे ही हम बॉक्स खोलते हैं तो पहले ही हमको देखने मिलता है ये कुछ इसके मैनुअल्स, वारंटी कार्ड्स। दोस्तों बैक कवर इसके साथ बैक कवर भी लगा आता है। और एक बात हम बता दूं दोस्तों, इसमें साथ में टेम्पर ग्लास भी लगा हुआ आता है। तो इसके आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको नया मार्केट में टेम्पर ग्लास इतना लगाना ये वो, तो ये सब साथ में कंपनी देती है। हम बात करें इसके चार्जर के बारे में तो ये अपना इनपुट 240 वोल्ट्स का 50-60 GHz का 2.02 एम्पियर आउटपुट 5 वोल्ट का चार्जर है, मेड इन चाइना मॉडल। जैसे हम बात करें इसके हेडफोन्स की तो बेसिक से हेडफोन्स है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। क्वालिटी हेडफोन्स की बात करें क्वालिटी के बारे में तो एकदम बढ़िया क्वालिटी है। आईफोन की याद दिला देती है इसकी हेडफोन्स क्वालिटी, एकदम बढ़िया क्वालिटी के हेडफोन्स है। चलिए बाजू में रखते हैं और हम बॉक्स करें ये USB केबल। खोलते हैं, बढ़िया सा पैकिंग, थोड़ा टाइम लग गया। तो हम बात करें इसके हेडफोन्स की तो ये हेडफोन्स। चलिए हम मोबाइल को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो जैसे आप देख सकते हैं ओप्पो का इंटरफेस आ गया। काफ़ी शानदार सा लोगो है ओप्पो का। बैक पैनल में बात करें तो वही वार्निंग दिया है। इसमें दोस्तों आपको एक खास फीचर्स दिया गया है, हाइब्रिड सिम नहीं है इसमें, तो हम इसमें 2 सिम प्लस 1 मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, तो वो एक बढ़िया इसका फीचर्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। तो हम बात करेंगे इसके कुछ अच्छे फीचर्स के बारे में। तो पहले हम देखते हैं इसके कैमरा क्वालिटी के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैमरा क्वालिटी के बारे में हम बात करें, इसमें एक अच्छा फीचर्स दिया हुआ है कैमरे के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो हम इसे नॉर्मल मोड पे शूट करके देखते हैं। ये हेडसेट कॉन्फ़िगरेशन तो ठीक है दोस्तों, ये हम इसे पिक्चर लेने वाले हैं इसे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है, ओप्पो ऐसे भी कैमरा फोन्स के लिए जाना जाता है।
तो मैं आपके इसके खास फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो है अल्ट्रा एचडी मोड। तो दोस्तों उसके हम जानते हैं अल्ट्रा एचडी मोड के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अल्ट्रा एचडी मोड का मेन फीचर्स ये है कि हम इसे दूर से ये फ़ोटो खींचेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसका पिक्चर्स लिया है, थोड़ा ये ब्लर आ गया है, दूसरा खींचते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस अल्ट्रा एचडी मोड पे इसका पिक्चर्स ले रहा हूँ, तो ये पिक्चर्स हमने ले लिए। तो अभी हम इसे ओपन करेंगे, तो जैसे ही हम इसे जूम करेंगे तो ये इसका एक ख़ास फीचर्स है कि ये फटता नहीं है, उसके पिक्सल्स फटते नहीं हैं, तो वो एक इसका खास वो है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इसके सेटिंग्स में जाके इसके फ़ोन्स में क्या क्या, कौन सा ओएस है, क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं जाता हूँ अबाउट फ़ोन में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस नेम ओप्पो A37F, मॉडल नंबर है A37F, और ये वो कलर ओएस वर्जन 0.3.0.0i पे है, और ये एंड्रॉयड वर्जन है 5.1.1, और रैम दिया गया है इसमें 2GB, और रोम है 8GB अवेलेबल, टोटल 16GB है, जिसमें से 8GB अवेलेबल मिलता है हमको। तो जैसे आप देख सकते हैं स्टेटस में जाके बैटरी, बाकी बेसिक सा फ़ोन है ना ही इसमें। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये मेरा पहला मोबाइल रिव्यू वीडियो है, तो कुछ गलतियाँ हो गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए बंद वीडियो को अभी यहाँ ही समाप्त करता हूँ। हैव अ गुड डे।